ओ ये तो मुझे देखिए, ये संकेत ये लगता तो है। संकेत होता है जब भी स्टेबल गवर्नमेंट होती है। आपको याद होगा 2003 में, 2004 में जब प्रिडिक्ट हुआ था कि एनडीए जीतेगी, अटल जी वापस आएंगे, तो सेंसेक्स एकदम बढ़ गया था। फिर जब रिजल्ट में पता चला कि कांग्रेस की सरकार है, तो एक बार को डाउन हुआ, और शाम को रात को जब पता चला कि स्टेबल सरकार बनेगी, तब एकदम बढ़ गया। मुझे अभी तक याद है, क्योंकि तब मैं पहली बार सांसद चुनकर आया था। 2008 में, 9 में भी आया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, कम सीटें आएंगी, फिर गिर गया। फिर जब पता चला कि नहीं, 200 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आई, तो फिर बढ़ गया। तो सेंसेक्स तो होता है। देखिए अंततः सेंसेक्स क्या है, लोगों की एक उम्मीद होती है कि अर्थव्यवस्था में उनको कितना मिलेगा, और जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है उनको लगता है बेहतर होगा। दूसरा, मोदी ने ये बात दिखाई भी है कि भाई उसने धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान को पूंजीपतियों के प्रति गिरवी रख दिया है। तो पूंजीपति ही तो सेंसेक्स में, उन्हीं को तो पैसा मिलता है, तो जब उनकी मुंगेर सरकार आएगी तो उसमें लोग निवेश तो करेंगे ना। लाल के हसीन सपने हैं बीजेपी के लिए, 7 सीट उन्होंने दिखा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से 4 सीट निश्चित रूप से जीतने की स्थिति में है, ऐसे 7ों सीट फाइटिंग स्थिति में है। रिजल्ट क्या होगा 23 तारीख को बताएंगे, लेकिन 4 सीट तो विनिंग स्थिति में है मुंगेर। और जो आपका सर्वे दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है, बाइस्ड है। मुझे लगता है जमीनी स्तर पर उन्होंने इस बात को नहीं देखा। क्या 1,000, आपने हमारे क्षेत्र में 10 विधानसभा है, 1,000 वोट सैंपल से आप कहेंगे जीत हार के फैसला करेंगे? आज वोटर तो खुल के राजी नहीं है। वोटर कहाँ वोट दे के आया, वो खुल के राजी नहीं है, और वोट गिराया है। तो आखिर वोट एंटी गवर्नमेंट गया है, क्योंकि सीलिंग का मुद्दा था, यहाँ ट्रेडर नोटबंदी का मुद्दा था, युवाओं को नौकरी नहीं मिली उसकी मुद्दा था। तो आखिर किस आधार पर जीतने की कगार है? तो ये मुझे लगता है सर्वे जो है वाइज्ड है, पूरे भारत का सर्वे जो दिखा रहा है, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरा आरोप है प्रेस पर, मेरा आरोप है जो आप एक पक्षीय दिखा रहे हैं, आप, मैं समझता हूँ पारदर्शिता आप में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि एक मौका अगर एग्जिट पोल के अंदर और दिया जाए और इनको थोड़ी सी जो है आज़ादी दे दी जाए, तो ये 80 में से 150 सीटें जो है भाजपा को दे देंगे। तो इसका, क्योंकि इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, अगर आप गलत साबित हुए तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो इसके अंदर तो आप कुछ भी कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में भी यही देखा गया कि डबल डिजिट में जो आंकड़ा है बीजेपी का पहुंच गया है, 15 से 20 सीटें बीजेपी वहां बंगाल में भी गेन कर रही है। देखिए, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई रॉ डेटा दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये नहीं बताता कि किससे इन्होंने बात की। ये सब जो है ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े बड़े लोग आकलन लगा के एक फिगर प्रोजेक्ट कर देते हैं, और ये बड़ा मज़ेदार काम है। मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं भी करने लगूं। तो इसके अंदर कोई मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो। एग्जिट पोल सदैव से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, 1998 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी एक भी एग्जिट पोल नहीं हारी है, लेकिन कई चुनाव हारी है। एग्जिट पोल सदैव से भाजपा के मतदाता को बड़ा चढ़ाकर और अन्य राजनीतिक दलों के, खास करके आम आदमी पार्टी के मतदाता को कम आंकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ा, एग्जिट पोल में कहा गया आम आदमी पार्टी को 6 सीटें आएंगी, हमें 28 सीटें आई। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, कहा गया 0 सीटें आएंगी, हमें 4 सीटें आई। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने कहा आम आदमी पार्टी को हद से हद 25 सीटें आएंगी, हमें 70 में से 67 सीटें आई। तो एग्जिट पोल सदैव से आम आदमी पार्टी को कम आंकता है, एक विषय। दूसरा विषय, आज के समय, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 में जब आप मतदाता से वोट डालने के बाद एग्जिट पोल करने के लिए पूछने जाते हो कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया, तो मतदाता घबरा जाता है कि कहीं ये मोदी सरकार का किसी जांच एजेंसी का व्यक्ति तो नहीं है जो मुझसे पूछने आया है कि किसको वोट दिया है। वो उस घबराहट के चलते हर व्यक्ति ये बोल देता है हमने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भाजपा को वोट देता नहीं है। ये डर भाजपा की सरकार ने हिंदुस्तान के मतदाता के दिमाग में डाल दिया है।